संस्कृत दिग्दर्श का द्वितीय पाठा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। याज्ञवल्को मैत्रीम उवाच, मैत्रेयी उद्यास्मान अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी उद्यास्मान ऊपर जाने वाला, अहम मैं अस्मात् इस स्थानात् स्थान से अस्मि हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थाश्रम से पारिव्राज आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः ते अनया, ततः इसलिए ते तुम्हारा अनया इस कात्यायन्य कात्यायनी से विच्छेदम करवाण, विच्छेदम बंटवारा करवाण माने करा दूँ, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करा देता हूँ। मैत्री उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन मीन्स धन से पूर्णा परिपूर्ण स्यात् हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तो क्या उससे मैं अमृता मीन्स अमर, स्यामित माने हो जाऊंगी, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, नेति, ऐसा नहीं है। यथैव उपकरणवताम जीवनम, उपकरणवताम माने साधन संपन्न, जीवनम जीवन, तथा उसी प्रकार ते तुम्हारा जीवनम जीवन से आत्मने हो जाएगा, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन से, न आशास्ति माने आशा नहीं है, अमृतत्वस्य अमरता की, धन से तो अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, उस मैत्री ने कहा, एन अहम न अमृता साम, एन माने जिससे, अहम मैं ना नहीं, अमृता अमर, श्याम माने हो पाऊंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, तो उसका मैं क्या करूंगी। यदैव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदैव मे ब्रूहि, तो मुझसे कहें। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रिय भासते, तुम मेरी प्रिया हो और भास्य माने बोल रही हो और प्रिय बोल रही हो, एहि आओ उपवेश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा।